Hello and Assalamualaikum, this is Uwedam. Welcome to my YouTube channel Dr. Motolog. So guys, आज हम जा रहे हैं कराची का सबसे महंगी हलवा पूरी खाने के लिए। और ये महंगी क्यों है? ये है अल्टीमेट सवाल। तो इस ब्लॉग को एंड तक देखो, जवाब खुद ही मिल जाएगा कि इतनी महंगी क्यों है। So guys, ये हुई है पैचिंग, निहायत ही कोई घटिया किस्म की पैचिंग करी है इन लोगों ने। उछलते कूदते फिर रहे हूँ। उफ अल्लाह, ऐसा रोड कर दिया और जलील रोड कर दिया। लगे जलालत की इंतहा देखें, ऐसे भर भर के कौन करता है यार? पाकिस्तानी के लोग करते हैं, पाकिस्तानी लोग। majestic यार, मतलब कि ये ओहो, मगर ठंड यार अल्टीमेट पड़ी है, अल्टीमेट ठंड है। शहर कराची की ठंड ना बहुत ज़्यादा हो गई है यार, मतलब कि थोड़ा सा नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है। सर्दी लग रही है। भगाना मसला नहीं है, असल मसला ठंड। कुल्फी जम जाती है। Okay guys, so quick thing about the talk about the Park Wheels Auto Show. तो guys, हमने आप लोगों ने जैसे कि एक वीडियो देखी होगी जो कि बहुत वायरल हो रही है कि a car just got burned. तो भाई जो बंदा है जिसकी थी, अल्लाह ताला उसे सब्र अता फरमाए। Hope he recover from the सदमा। भाई इसमें बकौल मेरे इसमें पोर्ट ग्रैंड की भी गलती थी कि उनके पास बेसिक फायर एक्सटिंग्विशर नहीं थे, अगर थे भी तो वो एक्सपायर्ड थे। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि बहुत मायने रखती हैं। और क्या कहते हैं, इसमें जस्ट मेरा जो ओपिनियन है वो यही है कि देखो भाई जो हुआ वो गलत हुआ, वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए थे। अब सेफ्टी मेजर्स एक चीज़ के नहीं हो पाए, वो इन द एंड ऑफ द डे कि कितने हम उसको किस तरह से ले जा सकते हैं। पार्क व्हील्स को भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए था। और बेसिक ये एक काइंड ऑफ वेकअप कॉल फॉर द पार्क व्हील्स और कि कितने जितने भी ऑटो शोज़ के ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके लिए कि भाई आप लिजिट चीज़ को अंदर आने दो, उसके अलावा नहीं। क्योंकि देखो भाई वायरिंग शॉर्ट हो सकती है, जो भी स्मोक किट फायर किट वल्ला आलम, मगर बात इन दी एंड ऑफ द डे भाई अब वो उसमें कहीं से कुछ भी मिसहैप हो सकता है। तो guys, I just want to give you a quick tip on where to ride. This is Sheikh Kaab. ये आपको शेख लगते हैं, ये शेख लगते हैं, मगर ये शेख चिल्ली वाले शेख हैं। हाँ ये जो जितने अभी थम्स अप कर रहे हैं ना, इनको रिकॉर्डिंग पता चलेगी फिर मैं बताऊंगा, सब्र करें आप, देखते जाएगा। तो गाइज बाइक हमेशा एक क्विक ऑफ द टिप ऑफ द डे कि यार बाइक हमेशा ना कि कहते हैं टायर ट्रैक्स में चलती है। टायर ट्रैक्स बोले तो हमेशा लाइन के बीच में नहीं, हमेशा लाइन के लेफ्ट या राइट, क्योंकि जो बाकी गाड़ियां होती हैं वो इसी लाइन के अंदर चलती हैं। बीच में क्या होता है कि बीच में क्योंकि इंजन होता है तो मे भी ज़्यादातर ऑयल गिरने और इन चीज़ें गिरने का चांस होता है, तो यू माइट गेट स्लिप्ड अप। तो इसकी वजह से ट्राई टू राइड योर बाइक ऑन द टायर ट्रैक्स रादर देन राइडिंग ऑन द मिडल। तो ये क्विक टिप ऑफ द डे है, होप यू फॉलो इट। I try to follow it as much as possible. So anyway guys, हम जा रहे हैं हलवा पूरी के सीन पे, तो let's go। हम सफ़र की तरफ गामजन है बोट बेसन के, तो बोट बेसन पे हमारा होगा हलवा पार्टी सीन और आपको बताएंगे कि महंगी हलवा पूरी। सवाल महंगी हलवा पूरी आपके दिमाग में भी हो रहा होगा कि मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया कि महंगी हलवा पूरी, तो हाँ कुछ चीज़ है, क्यों है, अब ये तो कमाल आपको दिखेगा। Cute reactions guys, like how sweet is that? This is so sweet यार, मतलब कि बहुत स्वीट रिएक्शंस है बच्चों के। I really love it. You just want to enjoy the reactions guys, seriously. Reactions all the way guys, seriously. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हम? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं उठा तो यहाँ से ब्लॉक है और वहाँ से अनब्लॉक है। तो दुनिया की सबसे महंगी हलवा पूरी हमने कुछ इस तरह से खाई कि हमने, देखिए मैं कैलकुलेशन बताता हूँ कि ये जो पूरियाँ पड़ी हैं ये आपको पता है किस तरह किस हिसाब से पड़ी हैं, ये किस हिसाब से पड़ी हैं। पूरियाँ थी इतने की, फिर पूरियों के बाद क्या कहते हैं हमने इतने का फ्यूल जलवाया, तो ये पूरियाँ कुल मिला के हमें इतने की पड़ी। तो लाइक इतनी महंगी पूरियाँ हमने खाई आज। वेल दैट्स जस्ट ऑन अ तफरी नोट गाइस, मतलब oh wow. Oh wow, that's a band. No. डांस करने वाली बात है यार। तो हम कबूतरबाज बन जाएंगे अभी, और हम अभी कबूतर उड़ाएंगे। कबूतर कबूतर। कबूतरबाज हैं हम। तो होपफुली आप लोगों के लिए और ब्लॉग्स हम लेते आते रहेंगे, और इंशाल्लाह डॉक्टर मोटोलॉग इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। तो न्यू ईयर इज कमिंग गाइस, तो एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो आगे चल के इंशाल्लाह आप लोगों से कुछ नए टॉपिक्स को कवर करके, कुछ नई बातें करके आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। इफ यू इफ देयर एनी सजेशन फील फ्री टू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि आई डोंट माइंड यार, मतलब कि आप अपने दिल की बात बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं है हमें। एज अ फैमिली वी आर वन यूनिट, और क्या कहते हैं, होपफुली जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, और इंशाल्लाह शेख भाई मिलते रहेंगे। ओके भाई, हाफिज़। ओके गाइस, टिल द नेक्स्ट व्लॉग, डॉक्टर मोटोलॉग इज साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम्स, और मोटिवेटेड हमेशा रहो, और हमेशा नेगेटिविटी को साइड पे रखो, कभी भी उसको तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होने दो, क्योंकि नेगेटिविटी आपको प्रोसेस करने से और आपके गोल्स अचीव करने से आपको रोक देती है। तो टिल देन एंड टिल ऑल सेड, डॉक्टर मोटोलॉग साइनिंग ऑफ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।